यातायात के लिए खोला गया गदनखेड़ा बाईपास पुल, इन जिलों के लोगों को मिलेगा जाम से छुटकारा। गदनखेड़ा फ्लाईओवर में वाहन चलाना शुरू, पुलिस ने निकलने वालों को खिलाई मिठाई, 64 करोड़ रुपए से बनाया गया। उन्नाव में युवक ने किया सुसाइड, पत्नी से झगड़े के बाद अलग रहता था, बेटा पिता के साथ और बेटी माँ के साथ रहती थी। उन्नाव में क्लिनिक संचालक का तालाब में मिला शव, बुधवार की शाम से गायब था युवक, हत्या की आशंका। उन्नाव में गणेश प्रतिमा विसर्जन शुरू, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ दी विदाई, जयकारों के साथ उड़ा अबीर गुलाल लखनऊ। अखिलेश यादव बोले, मंगेश को घर से उठाकर हत्या की गई, भाजपा ने प्रदेश को फेक एनकाउंटर की राजधानी बना दिया। सीएम योगी बोले, 57 जनपदों 350 तहसीलों 825 विकास खंडों में बनाएंगे अटल आवासीय जैसे विद्यालय। अखिलेश यादव ने मायावती के दावों पर दिया जवाब, बोले अपनी कमियां छिपाने के लिए लगा रही आरोप। बेकाबू कार ने आइसक्रीम विक्रेता को मारी टक्कर, 50 मीटर तक घिसटने के बाद मौत, नशे में थे युवक युवतियां। मोबाइल देखता रहा मरीज और हो गया ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन, अब एक क्रेनोटॉमी तकनीक का किया इस्तेमाल।